नीतीश कुमार कभी टोपी और टीका लगाने की बात कहा करते थे, लेकिन उनके सबसे सीनियर मंत्री विजेंद्र यादव ने मुस्लिम टोपी पहनने से मना कर दिया और यह हुआ बिहार के मुस्लिम बहुल इलाके में। अब सवाल यह है कि क्या नीतीश हिंदुत्व की राह पर चलकर चुनाव जीतने की तैयारी कर रहे हैं। मंच पर मुस्लिम टोपी पहनने से इनकार कर रहे ये शख्स बिहार की नीतीश सरकार में ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव हैं। ऊर्जा मंत्री अल्पसंख्यकों के कार्यक्रम में हिस्सा लेने कटिहार गए थे। मंच पर आने के बाद जब मंत्री जी को मुस्लिम टोपी पहनाई गई, तो उन्होंने इसे पहनने से इनकार कर दिया और साथ ही गले में लटके हरे रंग के पट्टे को भी उतार दिया। कांग्रेस अब इसे मुद्दा बना रही है। बीजेपी के साथ रहना है तो उसके कार्य संस्कृति को जेडीयू को अपनाना होगा। तो मोदी जी ने टोपी को ठुकराया था तो जेडीयू के मंत्री ने भी टोपी ठुकराया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज तो मोदी जी मस्जिद मस्जिद घूम रहे हैं, उसके बावजूद जेडीयू ने अल्पसंख्यक भाइयों के द्वारा दिए जा रहे टोपी रूपी सम्मान को पब्लिकली ठुकराया है। तो ये आम जनता इसका जवाब देगी। कांग्रेस ने मोदी की जिस टोपी का जिक्र किया वो मामला साल 2011 का है। ये तस्वीरें उसी मंच की हैं जब मोदी ने टोपी पहनने से इनकार कर दिया था। लेकिन इस टोपी एपिसोड के बाद नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ नहीं थे, उन्होंने बड़े ही तल्ख अंदाज में तब टिप्पणी की थी। देश प्रेम से चलेगा, मोहब्बत से चलेगा, भाईचारे से चलेगा, सद्भाव से चलेगा, गले मिलने से चलेगा, सबकी इज्जत करने से चलेगा। इसमें कभी टोपी भी पहननी पड़ेगी, कभी टीका भी लगाना पड़ेगा। लेकिन टोपी और तिलक को साथ लेकर चलने की बात करने वाले नीतीश के मंत्री ने ही नीतीश के फॉर्मूले को सिर से उतार दिया। अब पार्टी की नेता बचाव में तर्क दे रहे हैं। सिर्फ एक प्रतीकात्मक तरीके से देखें कि टोपी लिया, टीका लगाया, ये किया या नहीं किया, मैं नहीं समझता इस पर जाने की जरूरत है। आप सोच देखिए, आचरण देखिए और नीतियां देखिए, जो कि आज से नहीं, वर्षों से जेडीयू की सार्वजनिक है और नीतीश कुमार जी के जीवन से, व्यक्तित्व से, सोच से जुड़ी हुई है। जिस इलाके में विजेंद्र यादव ने टोपी पहनने से इनकार किया वो इलाका मुस्लिम बहुल माना जाता है। नीतीश ने विजेंद्र यादव को मुस्लिम इलाके में पार्टी की पैठ मजबूत करने की जिम्मेदारी दी है, लेकिन जिस लाइन पर यादव जी चल रहे हैं उससे संकेत साफ है कि एनडीए ध्रुवीकरण की लाइन पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।